टिकट कटने के बाद वरुण गांधी ने पीलीभीत की जनता के लिए लिखा पत्र। वरुण गांधी ने कहा, पत्र लिखते वक्त हो गया भावुक, सांसद के रूप में नहीं बेटे के रूप में पीलीभीत की करूंगा सेवा। पीलीभीत तो मेरा परिवार, अपने परिवार की सेवा अंतिम सांस तक करता रहूंगा। आम आदमी की आवाज उठाने राजनीति में आया था, आगे भी आम आदमी की आवाज उठाता रहूंगा, चाहे इसका कोई भी परिणाम हो। यह पत्र लिखते वक्त मुझे 3 साल का बच्चा याद आ गया, जो अपनी माँ की उंगली पकड़कर 1983 में पहली बार पीलीभीत आया था। वरुण ने कहा कि मैं खुद को सौभाग्यशाली मानता हूँ और पीलीभीत की जनता को महान मानता हूँ। वरुण ने पत्र को सोशल साइट एक्स पर किया पोस्ट। पत्र में भारतीय जनता पार्टी को चुनाव लड़ाने की नहीं की गई कोई भी चर्चा। वरुण गांधी ने पत्र में लिखा कि पीलीभीत वासियों को मेरा प्रणाम, आज मैं यह पत्र लिख रहा हूँ तो अनगिनत यादों ने मुझे भावुक कर दिया। मुझे वो 3 साल का छोटा बच्चा याद आ रहा है, जो अपनी माँ की उंगली पकड़कर 1983 में पहली बार पीलीभीत आया था। उसे कहाँ पता था कि एक दिन ये धरती उसकी कर्म भूमि और यहाँ के लोग उसका परिवार बन जाएंगे। मैं खुद को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे वर्षों पीलीभीत की महान जनता की सेवा करने का मौका मिला। महज एक सांसद के तौर पर ही नहीं, बल्कि एक व्यक्ति के तौर पर भी मेरी परवरिश और एक मेरे विकास में पीलीभीत से मिले आदर, सरलता और सहृदयता का बहुत बड़ा योगदान है। आपका प्रतिनिधि होना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सम्मान रहा है और मैंने हमेशा अपनी पूरी क्षमता के साथ आपके हितों के लिए आवाज़ उठाई। एक सांसद के तौर पर मेरा कार्यकाल भले ही समाप्त हो रहा हो, पर पीलीभीत में मेरा रिश्ता अंतिम सांस तक खत्म नहीं हो सकता। सांसद के रूप में नहीं तो बेटे के तौर पर ही सही, मैं आजीवन आपकी सेवा के लिए प्रतिबद्ध रहूंगा और मेरे दरवाजे आपके लिए हमेशा पहले जैसे ही खुले रहेंगे। मैं राजनीति में आम आदमी की आवाज़ उठाने आया था और आज भी आपके आशीर्वाद मांगता हूँ कि सदैव ये कार्य करता रहूँ, भले ही उसकी कोई भी कीमत चुकानी पड़े। मेरा और पीलीभीत का रिश्ता प्रेम और विश्वास का है, जो किसी भी राजनीतिक गुणाभाग से बहुत ऊपर है। मैं आपका था, हूँ और रहूँगा। पीलीभीत के जनता के लिए वरुण गांधी का एक पत्र जो ही बेहद भावुक कर देने वाला है, लेकिन एक लाइन लिखी हुई है कि मैं आम जनता की आवाज़ उठाता रहूँगा, चाहे कोई भी कीमत चुकानी पड़े। सवाल इस पर भी खड़ा होगा और पीलीभीत में भारतीय जनता पार्टी को चुनाव लड़ाने की कोई भी चर्चा इस पत्र में नहीं की गई है।